नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी तहसील प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 11,936.77 लाख की 62 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 20 योजनाओं का लागत लगभग 3,163.56 लाख की धनराशि का लोकार्पण तथा 42 योजना लागत 87,073.31 लाख की योजनाओं का शिलान्यास वैदिक मंत्रों के बीच किया गया तथा प्लाज्मा डोनर राहुल दानी तारा कोरंगा व 6 गरीब अनाथ बच्चियों कोमल राणा कांता आर्या अर्चना भारती चंद्रकला केसिया गोरखा तथा फेबा गोरखा को उनकी पढ़ाई हेतु 4,93,000 के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी सरकार देना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल 1905 में प्राप्त 30,000 समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रदेश में 500 विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य सड़कों पर बेहतर कार्य किए हैं जिनके परिणाम शीघ्र दिखेंगे। स्वरोजगार देने की ओर सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। प्रदेश में चीड़ की पत्तियों से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश की चीड़ के जंगलों से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन सामर्थ्य है तथा 40,000 लोगों को रोजगार देने की भी सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि 10,000 व्यक्तियों को चीड़ की पत्तियों से विद्युत उत्पादन हेतु स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। श्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश यहाँ स्वरोजगार हेतु 10,000 नौजवानों को बाइक के लिए ऋण देगी तथा 2 वर्ष तक ब्याज सरकार वहन करेगी। साथ ही 3 माह में 25,000 लोगों को कैंप योजना में रोजगार दिया जाएगा। फसलों को बंदरों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जनपद में 4 बंदरवाड़े बनाए जाएंगे, जिसका शिलान्यास 9 नवम्बर राजा स्थापना दिवस पर किया जाएगा, जिनकी क्षमता 30,000 बंदरों को रखने की होगी। चिकित्सा विभाग और सुदृढ़ किया जाएगा। 720 चिकित्सकों व 1,000 नर्सों को शीघ्र भर्ती की जाएगी। संबोधित करते हुए कालाडूगी विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कहा कि सरकार जन स्वास्थ्य को रखते हुए 108 वाहनों की संख्या बढ़ा रही है, साथ ही एयर एम्बुलेंस भी चलाएगी। उन्होंने प्लाज्मा डोनरों का स्वागत करते हुए इस पूर्ण कार्य हेतु उन्हें बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीरेंद्र रावत। के लिए 17 करोड़ पर अभी तक खर्च किया गया है। 8 करोड़ का बजट हम जल्दी इसके लिए जारी कर रहे हैं। जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उनके लिए 4.25 एकड़ वन भूमि हस्तांतरण का जो प्रस्ताव है ऑनलाइन कर दिया गया है और भारत सरकार से बहुत जल्दी इसके लिए स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही वो स्वीकृति प्राप्त होगी कैंसर इंस्टीट्यूट का यहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाएगा। आई बैंक इसके लिए 25 लाख रुपये जारी कर दिया गया है और जिससे आई बैंक संबंधित विश्व खेल का क्लियर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा किया गया है, खर्च कर दिया गया है। ISPT का मसला हल्द्वानी में रहता है, ये भारत सरकार में चला गया है, वहाँ पर वहाँ से ऑनलाइन कर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी जो ISPT जो हमारा हल्द्वानी का बनेगा और इसके लिए हमने बड़ी भूमिका इसको बना रहे हैं और जनपद अधिकतम लोगों को बचे समय तक ये सुविधा यहाँ पर लोगों को प्रारंभ होते रहे। जो लोग यहाँ पर आते जाते हैं वो भारत सरकार में उसके लिए हम करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो रिंग रोड का है, रिंग रोड पर जो इसमें टोटल जो खर्चा हो रहा है 1,822 करोड़ रुपये पर खर्च हो रहा है, इसमें से लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा तो केवल मुआवजे में जाएगा। इस तरह से ये भी भारत सरकार ने हमने भेजा है